जनपद सिद्धार्थ नगर के नगर पंचायत उसका बाजार में बने आरसीसी रोड की खुदाई कराकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के द्वारा निरीक्षण किया गया। आरसीसी की खुदाई कर आरसीसी रोड में लगे सामग्री को पॉलिथीन में भरकर और सील करके सैंपलिंग के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी ने इसके साथ साथ मलिन बस्ती घुघुलिया में पहुंचे और उनका हाल जाना, साथ में प्रधानमंत्री आवास का भी निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय घुघुलिया में पहुंचे, जहां प्राथमिक विद्यालय में अव्यवस्था देखकर खंड शिक्षा अधिकारी पर जमकर बिफरे। इस दौरान नगर पंचायत उसका बाजार में अवैध अतिक्रमण को लेकर भी निरीक्षण किया। ईओ को निर्देशित किया कि अल्टीमेटम देकर अतिक्रमण हटाने को कहा जाए, अगर नहीं हटाया जाता है तो बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की जाए। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने कहा कि बहुत सी कमियां मिली हैं, उन कमियों को दूर किया जाएगा। देखिए, नगर पंचायत उसका बाजार का निरीक्षण मेरे द्वारा आज सुबह 8:30 बजे से अभी तक मतलब हम लोगों ने लगातार निरीक्षण किया है, साथ में ईओ और नगर पंचायत का अध्यक्ष भी था। तो कुछ सड़कों का हम लोग ने खुदाई करके मतलब चेक किया है, जो भी कमी है उसके तुरंत दुरुस्त करने के लिए कहा था। साथ ही साथ जहाँ जहाँ अधिक्रमण था उसके संबंध में भी निरीक्षण किया और मौके पर भी हमने परीक्षण किया। तो जो जिनके पास जमीन नहीं था, जिन्होंने अधिक्रमण करके रखा था, उनका तुरंत जमीन चिन्हीकरण करके उनको उधर बसाने के लिए निर्देश दिया। साथ ही साथ इनके पास पहले से जमीन था फिर भी मतलब अतिक्रमण करके रखा, उनको मतलब 13 तारीख तक अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए निर्देश दिया गया। सर, मलिन बस्ती में आप गए थे, क्या कुछ कमी मिली सर? देखिए, मलिन बस्ती का जो काम है उधर प्रधानमंत्री आवास शहरी में मतलब कुछ आवास अलाटमेंट होने के बाद और सरकार का जो बजट 2.5 लाख रुपये मिलता है 3 किस्तों में, 3 किस्त अलाटमेंट होने के बाद भी कुछ लोगों ने अभी तक मकान नहीं बनाया, उसको भी तुरंत मकान पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया गया है। और साथ में जो साफ सफाई के संबंध में और पानी पीने की व्यवस्था के संबंध में भी मैंने पता किया और जो कमी है उसका तुरंत निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया। सर, आरसीसी रोड का सड़क खुदाई करके आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, इसमें क्या कुछ कमी मिली सर? देखिए, इसमें जो मानक अनुसार जो GSB और जो PCC है वो तो मानक अनुसार था, लेकिन जो हानि कॉम्बिंग मिलना नहीं चाहिए था उसमें कुछ जगह पे हानि कॉम्बिंग था, उस वजह से मतलब जो सड़क का मजबूतीकरण वो कम नॉर्मली हुआ करता। सर, प्राथमिक विद्यालय घुघुलिया में चेक किया गया, क्या कमियां पाई गई? इसके संबंध में पूरा जनपद में जो प्राथमिक विद्यालय का स्थिति है, कंपोजिट ग्रांट उसमें 10,000 मिलता है और उसके साथ कंपोजिट ग्रांट में कुछ पैसा मिलती है और स्पोर्ट्स ग्रांट में जो पैसा मिलती है और TLM में जो पैसा मिलता है उसका SOP हम लोगों ने बना के पूरा प्रदेश में मतलब इसका एक अभियान के तौर पर आगामी 1 महीना में जितना भी मतलब सरकार का स्तर से बजट में अलॉटमेंट है और अलॉटमेंट के साथ खर्चा भी मतलब स्कूल टीचर्स को करना चाहिए, इसको हम लोग अभियान के तौर पे ले रहे हैं। साथ में आंगनवाड़ी केंद्र में मतलब जहाँ जहाँ मतलब पोषाहार टाइमली नहीं मिला या हाथ मुक्त टाइमली मिला, इसको भी हम लोग बैठक लेके मतलब